गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर का ज्योग्राफी में पेपर सेकेंड। पेपर सेकेंड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टॉपिक्स यानी कि जलवायु यानी कि क्लाइमेट। यानी क्लाइमेट में हम सबसे पहले भारतीय क्लाइमेट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है जलवायु। जलवायु क्या होती है? जलवायु मुख्यतः किसी क्षेत्र में तापमान, वायुदाब और वर्षा यानी कि टेम्परेचर, रेन और प्रेशर एक ही स्थान पर कम से कम 20 साल तक बने रहे, उनमें कोई विविधता नहीं आती। टेम्परेचर और वर्षा और वायुदाब में कोई परिवर्तन ना होने के कारण किसी क्षेत्र में लगातार रहने से कम 20 वर्ष उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जलवायु। अब आती है मानसून। मानसून क्या होता है? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से ली गई है, वहां पर मौसमी शब्द से लिया गया। मौसमी का अर्थ होता है ऋतुओं। ऋतुएं क्या होती हैं? ऋतुएं और जलवायु में फर्क क्या होता है? जलवायु कम से कम 20 साल में और जबकि मानसून परिवर्तन एक साल में दो साल में होता रहता है। जैसे कि मानसून हमारा शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु, समर, विंटर है ना, ये जो चीजें आती हैं ये आती हैं हमारे मानसून में। इसके बाद आती है मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। मानसून की उत्पत्ति तीन कारक होते हैं, एक ताप, गति को नवीन अवधारणा। ताप में क्या होता है? जो जैसे कि एक ग्लोब है हमारा, ये हमारा इक्वेटर एरिया है 0 अक्षांश, ये हमारा हाई प्रेशर बेल्ट है, हमने बताया था, ये लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटर एरिया पे 0 नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ कितना होगा, ये कैसा होगा? लो प्रेशर। ये हमारे 40 से 45 कितना होगा? हाई प्रेशर 0, 40, 45, 60, 65 लो प्रेशर, ये हमारा इक्वेटर पे हमारा होगा हाई एचपी। इसी प्रकार हमारा नीचे रहेगा ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर, इक्वेटर पे हाई प्रेशर। तो हमने बताया था ताप के कारण की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर से ज्यादा होगा इक्वेटर एरिया पे, तो यहाँ क्या होगा? वायुदाब बहुत कम होगा, जिसकी वजह से यहाँ जब वायुदाब कम होगा तो हवाएं कैसी होंगी? हाई एचपी से यहाँ लो प्रेशर की तरफ आएंगी, ठीक है, ये हवाएं इधर जाएंगी, तिरछी इसलिए हो जाती हैं, फेरल नियम के अनुसार हमने बताया था। इस प्रकार से ये हवाएं जब जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि लो प्रेशर से यहाँ हमारा 0 इक्वेटर एरिया पे बनेगा, तो ये हवाएं इस तरह से जाएंगी और वो हवाएं इस तरह से आएंगी ऊपर से, तो यहाँ मिलेंगी, तो यहाँ मिलेंगी, तो इसलिए बस ऊपर यहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो यहाँ बारिश हमेशा इसलिए ज्यादा रहती है। तो इसके बाद यही इक्वेटर एरिया के बाद जब हमारा सन कब 21 जून को कर्क रेखा पर यानी कि यहाँ पर सीधा लंबवत लाइट पड़ेगी, जब इधर लाइट पड़ेगी सीधी सीधी लाइट पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा यहाँ पे, जो हमारे भारत के कर्क रेखा पे यहाँ ही गुजरती है। यहाँ पे जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? लो प्रेशर बनेगा यहाँ पे। लो प्रेशर बनेगा कब? 21 जून पे, जब यहाँ पे हमारा सन आ जाएगा। जब 21 जून को यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा तो हवाएं कैसी होंगी? ये हमारे नीचे एरिया जो होगा, ये बेल्ट लो प्रेशर वाली ऊपर खिसक गई, तो ये कौन सी बेल्ट बचेगी? हिंद महासागर में साउथ एरिया की हाई एचपी 40-45 की, ये जो हाई एचपी की बेल्ट है, तो ये हवाएं इस तरह से चलने लगेंगी। इस प्रकार से ये जब हवाएं चलती हैं तब हमारे मानसून की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि इस कारण से सन के ऊपर नीचे जाने से। इसके बाद आता है गति कारक। गति कारण क्या होता है कि जब हमारी पृथ्वी रोटेशनल गति करती है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूम रही होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी जब घूम रही होती है तो हवा अपने साथ ना चल पाने के कारण यहाँ हाई प्रेशर बनता है, इस वजह से ये हवाओं का परिसंचरण होता है। फिर नवीन अवधारणा कौन है? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम में हम देखते हैं कि जेट स्ट्रीम कब और कैसे बनती है, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब है,
ये इक्वेटर एरिया है, लो प्रेशर 40-45, हाई प्रेशर 60-65, लो प्रेशर इक्वेटर पे हाई प्रेशर, यहाँ पे 40-45 पे हाई प्रेशर, ये हमारी लो प्रेशर, ये तो हवा हाई प्रेशर से इस तरह से लेंगी, ये ऊपर से नीचे आएंगी, फिर ये इधर जाएंगी और ये इधर आएंगी, ये किधर जाएंगी, इधर जाएंगी और ये हमारी इधर चलेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो हवाओं का वितरण किस तरह से और कैसे होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये जो हवाएं हैं ये इधर चलेंगी, ये इधर आएंगी, तो जब ये हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की बेल्ट पर दबाती हैं तो ये क्या है अपने साथ बाष्प लेके, यहाँ बारिश हो जाती, यहाँ पे टेम्परेचर होने ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, बाष्पीकरण हो जाने के बाद, यहाँ वर्षा हो जाने के बाद यहाँ क्या होगा, हवाएं हल्की हो जाएंगी, जब हवाएं हल्की हो जाएंगी तो ये ऊपर उठेंगी, जब ऊपर उठेंगी ये हवाएं ऊपर उठ गई और 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाने पर ये बहुत तेजी से चलने लगी थी। कुछ हवाएं नॉर्थ पोल की ओर चली जाती हैं, कुछ हवाएं साउथ पोल की ओर चली जाती हैं। और ये कहां पे नीचे उतरती हैं, हाई प्रेशर पे, तो इसलिए और यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि ऊपर से हवा नीचे उतर रही होती। और ये कहां पे उतरेंगी, ये, तो इसलिए ये हवा बहुत तेज चलेंगी और बहुत तेज, तो इसकी वजह से ये जो हवाएं ऊपर के कितनी तेज स्पीड हो रहती है इनकी, 130 किलोमीटर प्रति घंटा की ऊंचाई पर, 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जेट स्ट्रीम चलती है, ठीक है। तो ये कहाँ जाती है, हाई प्रेशर पे, इक्वेटर एरिया पे। तो ये जेट स्ट्रीम हमारी हो गई, इसकी वजह से ये सर्किल फिर चलने लगता, ये नीचे जाएंगी फिर ये नीचे आएंगी फिर ऊपर जाएंगे, ये तरीका से प्रसंचरण होने लगता है, इस प्रकार से एक सर्किल बन जाता है और एक तरफ से ये सर्किल बन जाता है। तो एक ये सर्किल बन गया, तो ये सर्किल बनने से हमारे क्या होता है, एक रोटेशन बन जाता है घूमने का, और पृथ्वी पे हवाओं का इसकी वजह से हमारे यहाँ बारिश और बनने लगती है और सतत ये हमेशा जेट स्ट्रीम चलने लगती है। फिर यही कारण लो प्रेशर पे बनता है, यहाँ पे हवा खाली हो जाएगी तो फिर ये ऊपर उठेंगे और यहाँ पे हाई प्रेशर की ओर चली जाएंगी कुछ हवाएं, और कुछ हवाएं यहाँ पे आ जाएंगी, इसलिए ये 40-45 की प्रचंड इसलिए हो जाती है कि ये दो तरफ से हवाएं आती हैं, एक तो हमारी नॉर्थ को ही जो 60-65 लो प्रेशर की इधर आ जाती है और इधर जो जीरो इक्वेटर एरिया की है ये जवाब जाती है, इसलिए ये दोनों हवाएं नीचे जब आती उतरती हैं तो ये और ज्यादा स्ट्रीम होती है, ये बहुत तेज चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, बड़ी तेजी से चलती है, ये 40-45 की बेल्ट बहुत तेज चलेगी जो यहाँ पे बहुत ज्यादा चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही जेट स्ट्रीम तेज चलती है। इसके बाद ये 60-65 पे भी यही हाल होता है और यही कारण यहाँ पे होता है। इस कारण ये सर्किल चालू होने लगता है, इसी को जेट स्ट्रीम बनते हैं और जेट स्ट्रीम उत्पत्ति के बारे में हमने जाना। इस प्रकार से भारतीय जलवायु का आवागमन हो जाता है। अब आता है कि हमारी ऋतुएं क्या होती हैं, सीजन, सीजन में सबसे पहले जानते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून पवनों का मौसम, जो उत्तर पूर्वी जो हमारा ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट जो ये क्षेत्र होगा, ये जो हवाएं इस तरह से चलेंगी तब कौन कौन सी ऋतुएं होंगी, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, तो इसके बारे में हम समझते हैं
कि जैसे हमने ग्लोब में बताया था कि जब जब शीत ऋतु कब होगी, जब सन हमारा कहाँ पे होगा, मकर रेखा पे, यानी कि ये जो क्षेत्र होगा यहाँ पे सीधी लाइट पड़ेगी, तो यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और हमारे यहाँ ये क्या होगा, हाई प्रेशर। यहाँ पे कब हो जाएगा हाई प्रेशर, शीत ऋतु में, शीत काल में ये प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर हो जाएगा तो हवाएं कैसे रह चल जाएंगी, यहां से वापस किधर जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ। इस तरह से ये हवाएं वापस आ चलने लगती हैं, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे बारिश नहीं होती है कि ऊपर से हवाएं चलती हैं। और ये ग्रीष्म ऋतु क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में जब टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होता है, यानी कि 21 जून तक पहुंचे पर हमारी ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून तक रहता है, तो जब 15 जून तक पहुंचते पहुंचते सन यहाँ पे नहीं पहुंचे, यहाँ पर आ जाता, धीरे धीरे पहुंच नहीं पाता पूरी तरीके से कर्क रेखा पर, तो फिर क्या होता है कि यहाँ की जो हवा, यहाँ पे हाई प्रेशर दब भी बना होता है और हवाएं इस तरह से चल रही होती हैं, ठीक है। इस कारण से हमने पूर्वी मानसून पवनों के अनुसार देखा, इस मानसून में यानी उत्तरी पूर्वी मानसून जो हवाएं चलती है इसमें बारिश ज्यादा नहीं होती है। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है दक्षिण पूर्वी मानसून पवने, यानी कि दक्षिण पूर्वी मानसून की पवने कब चलेंगी और कैसे चलेंगी, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आता है वर्षा ऋतु, यानी कि वर्षा ऋतु कब होगी, जब हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून पवने हवाएं चलेंगी, यानी कि जब ये हमारा इक्वेटर एरिया पर यानी कर्क रेखा पर लो प्रेशर होगा, 21 जून को यहाँ पर सीधी किरणें पड़ेंगी, तो क्या होगा कि जब यहाँ सीधी लो प्रेशर होगा तो ये हाई प्रेशर इक्वेटर एरिया पे बनेगा, तो यानी भूमध्य रेखा पर, तो ये हवाएं इस तरह से चलने लगेगी। ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है यहाँ पे, यानी कि केरल तमिलनाडु, तो यहाँ पे काफी ऊंची चोटियों होने की वजह से यहाँ से टकराती है ये हवाएं, और यहाँ 1 जून, फिर 5 जून, 10 जून, 15 और लास्ट जून तक, यानी 1-2 जुलाई तक पूरे भारत में बारिश चालू हो जाती है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके बारिश होने लगती है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से सीधे पानी ऊपर बढ़ते हुए, और यहाँ पे बारिश इसलिए मरुस्थल नहीं होता कि यहाँ पे पानी टकराने की कोई संभावना नहीं होती है, और सीधे इसे अरावली पहाड़ी को क्रॉस कर जाती है हवाएं और हिमालय बस से टकराती है, और जो यहाँ पे बारिश करती है, और जो हमारा महाराष्ट्र केरल है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे टकराने से कुछ बारिश हो जाती है। इसके बाद ये हमारा रहा वर्षा ऋतु। फिर आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु यानी कि जब मानसून का प्रत्यावर्तन, यानी कि मानसून वापस कब आता है, जब ये लो प्रेशर 21 जून के बाद सितंबर या अक्टूबर के पास 22 सितंबर में इक्वेटर एरिया पर सन पे सीधी किरणें पड़ेंगी, यानी कि भूमध्य रेखा पर, जब भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ेंगी सूरत की, तो क्या होगा, ये हवाएं वापस चलने लगती हैं, यानी कि फिर वापस आएंगी यही हवाएं लौट के। तो ये सूखी हवाएं होती हैं, लेकिन ये जब बंगाल की खाड़ी में से गुजरती हैं तो इनमें नमी आ जाती है, और ये नमी लेके जैसे ही आगे बढ़ती है तो ये हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र है, जब तमिलनाडु के क्षेत्र को यहाँ से टकराती है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट है, ताकि काफी बड़ा पर्वत श्रेणी के रूप में कह सकते हैं, यहाँ टकराती है, तो यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में तमिलनाडु में बारिश होती है। ये इसलिए कह सकते हैं कि तमिलनाडु में प्रत्यावर्तन, मानसून प्रत्यावर्तन से ही बारिश यहाँ पर होती है। इस प्रकार से हमने भारतीय जलवायु के बारे में जाना। एक और आता है कि पश्चिमी विक्षोभ। जैसे हमने बताया था कि जो हाई प्रेशर से 60-65 के बीच में चलती है हवाएं, 40 से यानी कि 40-45 से 60-65 के बीच में जो ये हवाएं चलती हैं, तो सर्दियों में ये पेटी नीचे खिसक आती है, तो ये जो हमारी 40-45 की पेटी इस तरह से हवाएं ऊपर की ओर चलती हैं, जब ये सर्दियों में पेटी नीचे खिसक आती, तो यहाँ से भूमध्य सागर, काला सागर से पानी कुछ बाष्पीकरण होके और यहाँ पे हमारे भारत में, पश्चिमी भारत में बारिश होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा,
और पाकिस्तान में भी, जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पे बारिश होती है कब, शीतकाल में। तो ये किसके लिए बहुत उपयोगी होती है, ये मुख्यतः फलों की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है और गेहूं के लिए भी बहुत फायदेमंद रहता है। इस प्रकार से हमारा जलवायु क्लाइमेट टॉपिक खत्म होता है।